नमस्कार, मैं हूँ पोयम भारद्वाज और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे साथ कवि सम्मेलन के इंस्टाग्राम पर। यहाँ मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे नए शायरों और कवियों से जिनसे आप हमेशा मिलना चाहते हैं। वैसे आप सब ने लाइव कवि सम्मेलन तो खूब देखे होंगे, लेकिन यहाँ आप मेरे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन कवि सम्मेलन के लिए, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं देश और दुनिया के बड़े बड़े कवियों और शायरों से। लेकिन आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐसे बेस्ट सेलर राइटर, पोएट और एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आपके बीच एक खास जगह बनाई है। तो आइए जुड़ते हैं उनके साथ, जिनका नाम है नीलोत्पल मृणाल। हेलो सर, वेलकम। कैसे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं सर हो आप? पोयम? बढ़िया सर मैं बहुत बढ़िया अच्छी बढ़िया। हूँ सर। चल, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, ये लॉकडाउन के दिनों में आपने किस तरह कैसे बिताया और क्या नया लिखा? सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। लॉकडाउन में तो बिताया तो वैसे ही, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग लॉकडाउन काट रहे थे, कुछ भोग रहे थे, कुछ भुगत रहे थे, है ना। तो जी जी जो हम लोग जो है काटने वालों में है, हम ना भोग रहे थे ना भुगत रहे थे, तो हमने काटा लॉकडाउन। और निश्चित रूप से इस दौरान कुछ लिखा भी, मैंने नई किताब लिखी इस दौरान, नया उपन्यास मेरा जो तीसरा, तो उसको मैंने लगभग इसी दौरान लिखा। हालांकि उसमें कुछ काम बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ महीनों में, आने वाले महीनों में, जो लॉकडाउन में कुछ लिखा है उससे एक नया उपन्यास निकल के आएगा और वो आप लोगों से साझा कर पाऊंगा। सर, मेरा अगला सवाल यही था। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जब राइटर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो ये आखिरी सवाल होता है कि 2016 में आपने डार्क हॉर्स लिखी, ठीक है, जो यूपीएससी के छात्रों के मुखर्जी नगर में जो रहते थे उनकी लाइफ पर आधारित थी, और जब आपकी ओघड़ आई 2019 में उसमें आपने ग्रामीण राजनीति को दिखाया। तो अब जो आपके पाठक है वो इंतजार कर रहे हैं कि नीलोत्पल जी क्या नया लाएंगे, क्या ऐसा नया लाएंगे समाज को, मतलब कि जो समाज की चीजों को दिखाए, जैसे कि उसमें यूपीएससी के लोग थे और इसमें ग्रामीण राजनीति, तो ऐसा क्या नया ला रहे हैं आप? अभी तो मैं पोयम इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस बार मैं अच्छा ला रहा हूं कि नहीं, ये तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन नए की गारंटी है। मतलब इस बार ऐसा विषय है जो हिंदी साहित्य में कभी नहीं लाया गया है, वो ओके इतना नया है। हाँ, मतलब कि एक एक ऐसी कहानी बुनने की कोशिश है, एक ऐसे संकेत लेकर कहानी मैंने बुनी है कि इस बार निश्चित रूप से जो जिस नएपन की बात हो रही है हिंदी साहित्य में, कि और मुझे लगता है कि मैंने डार्क हॉर्स लिखा, फिर ओघड़ लिखा, तो वहां से अलग क्या लिखा जा सकता है। तो इस बार ये मैं निश्चित, मतलब कि मैं निश्चिंत करता हूँ कि जो उपन्यास आएगा वो बिल्कुल नया कथानक लेके आएगा, न केवल मेरे लिए बल्कि हिंदी में भी शायद बहुत कम, या मुझे तो जानकारी नहीं कि मेरी आज मेरी पीढ़ी में इस विषय पर लिखा गया हो। तो ये उम्मीद है कि अच्छा भी लगे, ये भी एक उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हर राइटर की एक ख्वाहिश होती है कि उसका नाम बेस्ट सेलर की लिस्ट में आए, लेकिन जब आपने एंट्री ली साहित्य जगत में तो सब लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात भी थी कि एक नया राइटर आता है और उसका नाम बेस्ट सेलर की लिस्ट के साथ साथ उसे युवा साहित्य एकेडमिक अवार्ड से भी नवाजा जाता है। तो इतना सारा प्यार शुरुआत में ही मिलना कैसा रहा, मतलब कैसा लगा आपको उस वक्त? ये सब संभव हो सकता है। पहली बात तो है कि पाठक आपको पढ़ते हैं तब जाके आप बेस्ट सेलर होते हैं। हम लोग जब लास्ट किताबें जब बिकी तो ये एक जादुई आंकड़ा था हिंदी के लिए, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, और इस पर किसी का भरोसा नहीं था कि ऐसा भी कभी हिंदी में हो सकता है कि कुछ किताबें लाख बिक सकती हैं। उसके बावजूद जब वो मुख्य धारा का साहित्य हो, वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, जब साहित्य अकेडमी ये बोले कि मैंने उसको पुरस्कृत किया और मैंने उस पर अपनी मुहर लगाई, और वो किताब फिर लोकप्रिय भी हुई और लाखों बिकी भी, तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें पहला जो क्रेडिट बनता है, जो पहला पहली जो मैं यूं कहूं कि जो पहला हक बनता है मुझे यहाँ तक पहुंचाने का, वो पाठकों का था। और उसके बाद तो पुरस्कार वगैरह, सम्मान, मतलब जो ऑफिशियली सम्मान होता है वो मिलना तो ऊपर वाले की नेमत है, उसका अंदाजा हमें नहीं होता है। और मैं एक ऐसा पुरस्कार साहित्य अकेडमी से पाने वाला व्यक्ति हूँ जिसको जब पुरस्कार मिला था उसके पहले उसने साहित्य अकेडमी का कार्यालय केवल एक बार देखा था,
अरे वाह। इसके पहले मैंने साहित्य अकेडमी देखा भी नहीं था कि वो कहाँ पे है अच्छे से। मैं एक बार गया था मात्र। जी हाँ, मैं कमानी कमानी ऑडिटोरियम के बगल में श्री राम कला केंद्र मंडी हाउस में है, जी जी वहां पे मैं संगीत सीखने जाता था। कुछ दिनों तक मैं जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बाद संगीत नाटक अकेडमी, उसके बगल में साहित्य अकेडमी, ये मुझे पता भी नहीं कभी चलता था। तो वहां से ये इसको मिलना, इस पुरस्कार का, तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत प्रेरक और बहुत हौसला बढ़ाने वाला हुआ। ये मेरे लिए उपलब्धि नहीं थी, जिम्मेदारी को बढ़ाने वाला ये। जी जी सर, आपने अपने सोशल मीडिया से अनाउंसमेंट किया कि डार्क हॉर्स पर फिल्म आने वाली है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से हाँ, रहेगा डार्क फादर। हॉर्स पर, हाँ, पोएम ये है कि डार्क हॉर्स पर फिल्म के राइट्स बिक चुके हैं, और अब जो है हमारी कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म बनने की प्रक्रिया तो हालांकि थोड़ी लंबी होती है। आप समझती हैं कि फिल्म बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। बनना भी, फिल्म का मतलब होता है कि भाई वो 2-3 साल तो लग ही जाता है ना। तो वो प्रक्रिया जितनी जल्द संपन्न हो जाए और हम 2-3 साल में उसे पर्दे पर देख सकें, तो ये एक हिंदी साहित्य की नई पीढ़ी के लिए एक फिर से एक नया, मैं यूं कहूंगा, प्रस्थान बिंदु होगा, जहां हिंदी की किताबों पर मुख्य सिनेमा बनने लगे, है जी ना, जी या वेब जी सीरीज बनने लगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी पीढ़ी के लिए एक उत्साहजनक बात होगी अगर हम उसको जल्दी पर्दे पर साकार रूप में देख सके। तो फिल्म के राइट्स बिक चुके हैं, बाकी का काम जो है वो प्रोड्यूसर, उनके बजट और उनकी क्षमता पर है कि वो कितना जल्दी कितने बड़े स्टार के साथ फिल्म को लॉन्च करते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम एक अच्छा फिल्म देखें, और जहां तक लेखक का दखल फिल्म में है, तो जब अब लॉकडाउन के बाद जब हम लोग काम के लिए बढ़ेंगे, अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, तो उसमें लेखक का कितना दखल होगा, रचनात्मक दखल कितना होगा, वो फिर हम लोग आगे साझा करेंगे। जी। सर, झारखंड से दिल्ली तक और दिल्ली से लोगों के दिलों तक एक सफर तय किया है अरे वाह, आपने, तो सर आपको नहीं लगता जी कि जी अपने रीडर्स के लिए, अपने पाठकों के लिए आप एक हीरो की तरह से बन के सामने आए हैं? क्योंकि अभी हाँ, मैं हीरो नहीं, लगातार पहले आप नीचे, देखिए। हाँ क्योंकि अभी मैं लगातार नीचे हाँ कमेंट देख रही हूँ, तो भैया प्रणाम, भैया गमछा, भैया देखिए, हाँ मैं वही कह रहा था, हाँ तो वो आपको एक ये जो तरह से, है हाँ यही है। बिल्कुल। हाँ, ये मुझे अपना मानते हैं, एक भावनात्मक लगाव है। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, जो भी हैं और जिन्होंने कमेंट किया, हालांकि मैं जवाब नहीं दे पाया करके मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये उनका एक भावनात्मक लगाव है जो उनके लिए लिख रहा है ना। हमें समाज को सर्व करना था, हम आईएएस की तैयारी करने गए थे कि नौकरी करेंगे, एक सरकारी पदाधिकारी बनेंगे तो सोसाइटी के लिए कुछ सर्व कर पाएंगे। तो वहां नियति को मंजूर नहीं था। मैं वहां तक, मैं एक सरकारी सेवक के रूप में सर्व नहीं कर पाया सोसाइटी को। तो मेरे पास दूसरा विकल्प था कि मैं अपने कलम से कुछ सर्व कर पाऊं। तो हम सेवक हैं, हमें हीरो नहीं है। हीरो वो लोग हैं जो हमारे जैसे लोगों के लिए जमीन बनाते हैं, जिनकी भावभूमि पर हमारी रचनाएं खड़ी हैं, जिनसे हम कच्चा माल लेकर कुछ सरोकार रच पाते हैं। वो हमारे हमें जिंदा रखने वाले, हमें टिकाने वाले, हमें बोने वाले, उगाने वाले, सब वही। तो इन लोगों के कारण हम लोग हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है अभी तक, है ना। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैं ये जानना चाहती थी, मैं नहीं, सभी जानना चाहते हैं कि दो जब आपकी डार्क हॉर्स आई, उसके बाद के नीलोत्पल मल्लाल को सब जानते हैं, पूरा साहित्य जगत जानता है, लेकिन जो डार्क हॉर्स से पहले वाले नीलोत्पल है वो किस तरह से, मतलब कि उनका क्या रहन-सहन, और एक तरह से मतलब वो क्या सोच रखते हैं, और दूसरा ये कि जैसे कि मैं कहना चाह रही थी कि आपने जब वो पुस्तक लिखी अपने बारे में, तो उसमें क्या क्या जी दिक्कतों का सामना करना पड़ा नीलोत्पल मृणाल को, जो डार्क हॉर्स से पहले के नीलोत्पल मृणाल है उनको। डार्क हॉर्स से पहले का निरूपण मृणाल, ये डार्क हॉर्स के बाद वाला इस तरह से है कि मेरा रहन-सहन पहले भी जो था वही है, और तब भी घर से भाई मैंने मैं मुझे आर्थिक संघर्ष कभी करना नहीं पड़ा है। ये बात क्या होता है कि जब मैं गांव, मिट्टी, देहात की बात कहता हूँ, तो लोगों के मन में ये बात होती है कि गांव और देहात का मतलब दरिद्री होता है। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। कई बार शहर के अच्छे खासे अमीर से ज्यादा बड़ा हो सकता है कि उनके ड्राइंग रूम के करीब करीब हमारा बाथरूम हो, क्योंकि हम ये सोच के बाथरूम बनाते हैं जहां पर हम लोट लोट के नहा सकें, तेल उल लगा अरे सकें, उसमें बिल्कुल कपड़ा भी बाथरूम में सुखा सकें।
बनाते हैं, तो भाई जमीन है तो आप लंबा चौड़ा बनाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि गांव का मतलब दलिद्री है, गांव का मतलब अभाव ही है। मैं इसलिए हमेशा मैं गमछा भी डाले रखता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं ली का शर्ट भी पहनता हूँ, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि आप 100 रुपये का गमछा डाल के भी ली का शर्ट इसलिए पहनना जरूरी है कि ये समझें कि हम अपने परिवेश के प्रति डिमोरलाइज नहीं है अपने परिवेश को। मैं उसको जी चीयर करना चाहता हूँ, मुझे जितना बड़ा पॉइंट मिलेगा मैं अपने भदेश को, मैं अपने गवईपन को उतना ज्यादा चीयर करूंगा, क्योंकि मुझे जिस परिवेश ने पैदा किया है, जिसके कारण मेरी लेखनी है, मेरी पहचान है, उस जमीन पर मेरी संस्कृति लहरनी चाहिए, वो उड़ दिखनी चाहिए, बताता हूँ। इस कारण से मेरा रहन सहन जैसा था वही है और वही बेहतर है, इसको बदलना मेरे लिए घातक हो जाएगा, वो बेहतर है। दूसरा, एक संघर्ष वहां उस वक्त था कि भाई एक 25 गज के कमरे में आपको सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करना है, तो मेरा संघर्ष लाखों लोगों का संघर्ष है जो हिंदुस्तान के लड़के अभी भी कर रहे हैं, वो हमेशा करते रहे हैं। अब वो संघर्ष बदल गया है एक ऐसे कवि या ऐसे लेखक के रूप में, जिसको अब लाखों घरों तक पहुंचना है, लाखों दिलों तक पहुंचना है। तो बिल्कुल ये प्रतिस्पर्धा, ये जो चीजें थी, दौड़ थी, वो अभी भी मेरे लिए वैसे ही है। अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ रोज, कुछ अच्छा लिख सकूं, कुछ अच्छा बोल जी सकूं, कुछ अच्छा रच सकूं, कुछ बढ़िया से सुना पाऊं, तो मेरे लिए वो ही संघर्ष है ना। हाँ, इस बीच में थोड़ा ये है, घर से पैसा लेता था, अब पैसा खुद भी आ जाता है। मान लीजिए किताब की रॉयल्टी है भाई, कभी सम्मेलन है, हाँ ना, फिल्में बन रही हैं, तो थोड़ा सा आर्थिक जो है कि निर्भरता की ओर बढ़ता है व्यक्ति जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं। बाकी सहज स्वभाव ही आपको आगे ले जाएगा। बहुत ज्यादा अगर डेकोरेट करने लगेंगे खुद को उपलब्धियों के साथ साथ, तो बहुत ज्यादा कृत्रिम दिखने लगेंगे, और फिर वही कृत्रिमता एक दिन आपकी सहजता, आपकी मौलिकता वो खा जाएगी। तो जी इसलिए बिल्कुल जितना जैसे थे वैसे बने रहने में ही लाभ है, क्योंकि आप जैसे थे उसके कारण ऐसे बने हैं, तो वो ज्यादा बेहतर। सर, जैसे आपने कहा कि जो आप हैं जैसे हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, तो मेरा सवाल ये है इससे रिलेटेड कि एक तरफ हम नई हिंदी को देखते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ मैं निलोत्पल मृणाल जी को इस तरह देखती हूँ कि वो अपना लोक जीवन, लोक भाषा जो है उनके अंदर है, और दूसरा जब आप गाते बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने पूरा का पूरा गांव अपने अंदर बचा रखा है। जबकि जब हम देखते हैं कि कोई इंसान या कोई भी नॉर्मल इंसान भी गांव से शहर की तरफ बढ़ता है तो वो पूरी तरह से शहर ही हो जाता है, गांव पीछे कहीं छूट जाता है, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? मैंने वही कहा पोएम कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी शहर की सुविधाएं हैं उसको भोगने से गांव को कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर भाई कोई शहर का लड़का मेरे जितना रॉयल्टी लेके किताब का, अगर वो स्केचर का जूता या वो रिबॉक पहन रहा है, तो निलोत्पल मृणाल इसलिए नहीं पहने क्योंकि गांव का उसको दिखना है गांव जैसा। नहीं, नहीं, गांव का अर्थ शहर की या युग के आधुनिकता का उपभोग हो सकता है, ठीक है ना। साधुता इस बात में है कि हम ना भोगे, लेकिन मेरे में सामर्थ हो तब भी हमने छोड़ा। दलिद्र को साधु नहीं माना गया है दुनिया में, संसार बिल्कुल साधु वो माना गया है जिसने अपने सामर्थ को छोड़ा, तभी उसको त्यागी माना गया। तो सबसे पहले अभी जो हमारा दौर है, हमारी पीढ़ी को अभी तक बैकवर्ड माना जा रहा है कि आप गांव से हैं देहात से, तो हम चाहते हैं कि आप जहां से आई हैं, आप भी किसी गांव से, आप भी गाजीपुर, देवरिया, या मान लीजिए और कहीं से, उत्तर प्रदेश से होंगी या मध्य प्रदेश से जी सर होंगी, आप गांव की पृष्ठभूमि से होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जैसी लड़कियां खूब आधुनिक दिखें, खूब मॉड दिखें, आपके जैसे लड़के खूब आधुनिक दिखें, और वो बता सकें कि हम गांव की भावभूमि पर भी आधुनिकता का वहन कर सकते हैं। जी जी ये जो दुनिया बदली है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, इसमें हम कुछ देते हैं और इससे हम कुछ दे भी रहे हैं, है ना। तो हमारी लड़ाई है ये कि हम बड़े मंचों पर आधुनिक दिखें, लेकिन अपनी बनावट में हम अपनी परंपरा के तंतु जो हैं उसको नष्ट ना होने दें, हम उसी से गुथे हुए दिखें, लेकिन उसकी चमक जो है वो फ्लड लाइट्स में भी बेहतर उसी तरीके से दिखे जितनी कि एक शहर के बने हुए फैब्रिक में दिख सकती है। हमें भी उतना ही चमकना है। हम कोई रेशम का कीड़ा नहीं है शहर के लिए, जी जी जिससे धारा धारा काल लिए जाए रेशम के और हमें कीड़ा समझ के मार दिया जाए। हम अगर रेशम उपजाएंगे,
तो हम उसे पहनेंगे भी, हम रेशम के कीड़े नहीं है। तो ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए आपके या मेरे जैसे लोगों का या जितने भी लोग नए युवा है उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी जरूरी है ना, एक्सपोजर भी जरूरी है, इनको उभर के आना चाहिए। और कितना अच्छा लगेगा कि जब आप फैशन आइकॉन बन जाओ, बजाय इसके कि भाई माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय की बेटी आगे चलकर फैशन आइकॉन बने, बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई गांव की बेटी या गांव का लड़का अगर फैशन आइकॉन बने, तो यही हमारी जीत। तो हम असल में हम लोग सांस्कृतिक स्तर पर ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी एक अभियान है जो लेयर में चल रहा है, ठीक है ना, जी जी जो लेयर में चल रहा है। मैं पिछली बार आईआईटी कानपुर में प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं वही गांव ये सब बातें कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने मुझ पर टिप्पणी कर दी कि देखो जींस पहना हुआ है पेपे लंदन का और जूता रिबॉक, और ये गांव की बात कर रहा है। आप समझिए क्या मानसिकता है, ये गांव से बिल्कुल होगा तो इसको धोती पहन के आना चाहिए, वो भी फटा, तभी ये ओरिजिनल गांव। तो हमारी लड़ाई इस मानसिकता के विरुद्ध, इसी मानसिकता के विरुद्ध है जिस पर मुझे गमछा लेके होटल में रोका गया, बिल्कुल बिल्कुल जबकि मैं खाना खा, मैं तो पैसा पे करने जा रहा था उतना ही जितना दिल्ली का कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा होता वहां पे, है ना, मैं भी उतना ही बिल्कुल पे कर रहा। लेकिन उसके बाद भी मुझ में क्या कमी थी कि मैं गांव जैसा दिखता हूँ। तो हमारी जी लड़ाई यही है कि जब जी मैं उतना पे कर सकता हूँ तो जगह उतनी क्यों नहीं वहां पे। ये भी बिल्कुल सारी बातें हैं तो हमारी, और कि हमें इस पे काम भी करना है अपने लेखन के साथ, अपनी कविता के साथ, ये भी यात्रा हमें करनी है और हम लोग जी कर बिल्कुल रहे हैं। सर, आपने कहा कि मैं यही पूछना चाहती थी कि आपने कहा कि गमछा लेकर आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे और आपको रोक लिया आप जो गया। पूछना चाह रही हैं नाम मैं पहले ही बोल देता हूँ उसको भी। हाँ सर, क्या लेकिन मेरा सवाल इससे अलग ये है कि आपने कहा कि वो क्या आपको रोक दिया गया, तो मैं कह रही थी जब आपने आके पोस्ट डाला, तो जब आप वो पोस्ट डाल रहे थे, आपने सोचा था कि एक आंदोलन की तरह सामने आएगा, क्योंकि एक हाँ, घटना, इतना बड़ा तो नहीं एक सोचा पोस्ट। था, इतना हाँ बड़ा, इतना बड़ा कतई नहीं सोचा था। और उसमें आंदोलन में मैंने इतना भी सोचा था कि मेरे पाठक जो मुझे जानते हैं वो जरूर आएंगे, और लेकिन इस तरह से वो देशव्यापी मामला बन जाएगा और हिंदुस्तान का गांव इस तरह से गमछा लहराने लगेगा, ये मैंने निश्चित रूप से नहीं सोचा था। और मुझे अच्छा लगा कि फिल्मी दुनिया के हीरो, लेखक, खुद कवि की दुनिया के स्टार कुमार विश्वास जी, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा कि हम गाड़ी लेके खुद जाएंगे नीलोत्पल के साथ और वहाँ खाना खाते हैं हम लोग, है ना, बाकायदा कई नेता है ना वो लोग गए, और मतलब इस तरह से हर क्षेत्र के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जी हमारे भदेश का जो महोत्सव है उसको हमको मनाने क्यों नहीं दिया जाए, है ना। तो वो ये बात, ये मुझे कतई पता तो नहीं था, लेकिन जब ये बन के निकला तो अब जहां भी गमछा लहरता है वहां पे एक बार इस घटना को जरूर याद किया जाता है और किया भी जाता है, ये तो जी है। जी जी सर, अगर ये हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, इनके लिए कुछ अनिल उत्पल जी के स्टाइल में ही कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा कुछ। आप बताइए क्या क्या सुना दिया जाए, आप तो सब जानती ही हैं। सर कुछ भी अच्छा सुना हाँ, दिया। मोहमा ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है, अरे बचपन में एक रुपया जिससे जो मांगा था उसकी खन खन के आगे दौलत सब खोटी है। ओहो माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। ये था, और एक बंद मैं सुनाता हूँ, वो कबूतर वाला जो उन्होंने कहा था वो है कि कहाँ गए पनघटवर गोरी जिसके पिया परदे, अब तो कबूतर भी नहीं दिखते, भेजे क्या संदेश, क्या बात। भेजे क्या संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, लव फ्रॉम मुखर्जी नगर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और कुछ जोहार, फिर
के भाई, बहुत लोगों का जो कमेंट है मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बाद में आके जरूर आप लोगों का जवाब दे दूंगा खुद से कमेंट करके। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। आपका। तो सर मेरा सवाल है कि जो आपका डार्क हॉर्स का एक करेक्टर है मनोहर, वो गांव में जाकर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, और जो गुरुजी हैं वो एक राजनीति पार्टी में प्रवक्ता बन जाते हैं, और जो संतोष है उनमें से सिर्फ वही यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी कि सिर्फ संतोष ही क्यों यूपीएससी क्लियर करते हैं, तो आपने इन किरदारों को लेकर और इस तरह से कि एक ने यूपीएससी क्लियर किया और एक मतलब बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल लेते हैं और एक प्रवक्ता बन जाते हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते थे उन किरदारों को इस तरह से डिवाइड मैं करके? असल में, अच्छा सवाल है और इसको मैं मात्र एक दो पंक्तियों में ही इसका जवाब देने का कोशिश करूंगा कि मैं ये नहीं दिखाना चाहता था कि कौन लोग सफल होते हैं, क्योंकि 15 लाख लोग परीक्षा में अपियर होते हैं, 10 लाख, 5 लाख, उसमें से 1 हजार लोग सफल, तो बिल्कुल उन 4 लाख 99 हजार की कहानी कौन लिखेगा, 14 लाख 99 हजार की कहानी कौन लिखेगा? ये 14 लाख 99 हजार लोगों की कहानी जिनको मुझे मोटिवेट करना था, यार यूपीएससी नहीं कर पाना जिंदगी का खात्मा नहीं है, उन लाखों लोगों के, लाखों छोड़िए करोड़ों लोगों के लिए जो आज से 50 साल पहले यूपीएससी करने, 30 साल पहले यूपीएससी करने गए थे, नहीं कर पाए, उनके मन में टीस है, मुझे उनको ही बताना था कि आप एक सफल जिंदगी जी सकते हैं, आप एक बड़ी जिंदगी जी सकते हैं, आप एक संतोषजनक जिंदगी जी सकते हैं, उनके लिए मुझे लिखना था। इसलिए डार्क और सफल लोगों, यूपीएससी में सफल लोगों की कहानी नहीं है, जिंदगी में मुकम्मल सकारात्मक पहल करते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाले लोगों की कहानी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम किसी भी क्षेत्र के डार्क हॉर्स हो सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही रास्ते पर दौड़ो, कोई एक रास्ता पकड़ लो, उस रास्ते पर दौड़ चलो, हो सकता है तुम उसके डार्क हॉर्स हो जाओ। मैंने किताब लिखा और मुझे पहली किताब पर साहित्य अकेडमी ने अवार्ड एक्सेप्ट किया, मैं खुद डार्क हॉर्स था अपनी देश का, कोई मुझे नहीं जानता था, किसी ने मुझ पर दाव नहीं खेला था, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं। तो ये बातें हैं, मैं उनके लिए लिख रहा था, है ना, तो इसलिए मैंने केवल एक पात्र दिखाया जो सेलेक्ट हो जाता है, बाकी मेरा मेरा लक्ष्य यही था कि मैं उनको मोटिवेट करूं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, वो निराश ना हो, वो हताश ना हो, उनके लिए अच्छा जीवन है। सर कहानी और कविता दोनों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो इन दोनों विधाओं में आप किस किस से प्रभावित हैं? दोनों जो कहानी, जब मैं अपने को खखोरता हूं अंदर से, आप अगर यूपी बिहार या पूर्वांचल की होंगी तो आप समझती होंगी, दूध जल जाता है तो खखोर के निकालते हैं, है ना, बर्तन से, कई बार जब घी जमाते हैं तो उसमें खखोरन बच जाता है तो ऐसे खखोर के निकालते हैं। तो जब मुझे अपनी आत्मा को खखोरना होता है तो मैं गद्य में लिखता हूँ, है ना, और जब मुझे जब जब मेरी आत्मा को गुनगुनाना होता है, गुदगुदी, जब फाहा लगाना होता है, कुछ ऊपर से उठाना होता है, फाहा लगाना होता है, तो मैं कविता लिखता हूँ। तो दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी, लेकिन है ना, लेकिन गद्य में मैं अपने अंदर से बहुत कुछ निकालता हूँ, खखोरता हूँ, और कविता मेरे लिए मेरी आत्मा की गुनगुनाहट है। जी सर, वो गमछे वाला जो आंदोलन हुआ उसको भी अगर ध्यान में रखे तो, हालांकि ये स्टीरियोटाइप नहीं कह सकते बट, लेकिन ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाए, आपके विचारों को देखा जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप राजनीति की तरफ रुख करेंगे, मतलब राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? मैं राजनीति ही करता हूं इसलिए मैं लेखक हूं, और मैं राजनीति ही करता हूं इसलिए मैं कवि हूं। जी अगर मैं राजनीति की तरफ जाता तो मैं नहीं लिखता कवि, क्योंकि हिंदुस्तान में यह बात समझना चाहिए युवाओं को कि राजनीति का अर्थ केवल चुनाव लड़ना नहीं, राजनीति इतना एकाकी, इतना सिंगल सिंगल जो विंडो नहीं है पॉलिटिक्स का, है ना। अगर एक लेखक को ही राजनीति समझ में ना आए, उसको समाज समझ में ना आए, तो लिखेगा क्या? क्या बिल्कुल सिर्फ मैं ये देखूं कि बरिस्ता कॉफी शॉप में जो है संजय जो है कि क्या बोलते हैं, कविता से मिला और कॉफी के गिलास में उसकी छुअन अभी तक महसूस हो रही थी, उसके निकलते भापते, ठीक है ये भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही व्यक्त करने के लिए नहीं लिख रहा बिल्कुल हूँ, या मैं इतिहास नहीं लिख रहा हूं ना, मैंने जो देखा उसको उसके केवल लिख दिया, उसमें थोड़ा कल्पना मिला है, मैं साहित्य रच रहा हूं, तो मुझे राजनीति में रुचि होनी चाहिए, अपने वक्त में रुचि होनी चाहिए, अपने समाज में रुचि होनी चाहिए,
और जब आपके अपने समाज में रुचि होगी तो राजनीति में स्वाभाविक रुचि होगी। इसलिए ये जो युवा पीढ़ी है, आई लव मैकडोनाल्ड, आई लव मैगडी एंड आई हेट पॉलिटिक्स, तो जो मैगडी से प्यार करता है, पॉलिटिक्स के से घृणा करता है, वही राजनीति में खराब लोगों को वॉकओवर दे देता है। नहीं, उनके लिए रास्ता खाली करना। आपको बर्गर से प्यार है, लव इट बर्गर, ओ चीजी, है ना, मच मैक्सिकम जो है कि स्पाइसी, इससे प्यार है युवाओं को। लेकिन पॉलिटिक्स, अरे यार आई हेट पॉलिटिक्स, बहुत गंदी चीज है यार, ये नहीं है। आपको जी उसमें चाहिए, तो इसलिए मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ, इसलिए मैं लेखक हूँ, मैं इसलिए कविता पढ़ता हूँ। जिस दिन मेरा इससे रुचि खत्म हो जाएगा, मेरी तो कहानी खत्म है, तो ठीक है ही। है सर। नीचे लोग कई बार कमेंट्स कर रहे हैं, बिहार, मैं बिहारी हूँ, उस वाली पोएम के लिए एक अच्छा, बार एक सुना लाइन दीजिए। सुना देते हैं। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी, देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ, अरे बुद्ध महावीर चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी, दिनकर रेणु नागार्जुन के कलमों का आभारी, मैथिली का राजा हूँ, भोजपुरी का भिखारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी, कि दुनिया में हमने रंग भरे हैं, मधुबनी की चित्रकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी, बिहारी हूँ। हाँ बिहारी, हाँ मैं बिहारी। ये तो मेरा भी फेवरेट था सर। इसलिए अरे वाह, कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा अभी हाँ अभी चलो। अभी अभी नया आया है, बिहार वाला आ रहा है, बहुत से बिहारी हमें सारा से हम रंगदार है, लिट्टी खा के है मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर साल कछार है। वो वाला और क्या था, आगे क्या था, सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार है, बिहार है रे राजा हम बिहार है, बिहार है रे भैया हम। हाँ अरे बढ़िया, ये भी सर। अब लास्ट और बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नए लिखने वाले युवा पीढ़ी है, उसके लिए नीलोत्पल सर की तरफ से क्या संदेश है? यही कि भाषाई चमत्कार से बचना, अच्छा लिखने का अर्थ शाब्दिक जो चमत्कार नहीं होता है, विचार बड़े होते हैं। अगर बुद्ध के पास जो है शाब्दिक चमत्कार तो नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों से दुनिया में ईश्वर का दर्जा पा के, है ना, तो विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्ध ने तो पाली का चयन किया अपने विचारों के लिए। तो पहली बात कि ये जो पांडित्य है ना, जो आपको दिखता है अपने आसपास दिखता होगा, ये लेखनी में पांडित्य दिख रहा है, वो पांडित्य व्याकरण में नहीं, शब्दों के चमत्कार में नहीं, विचारों के चमत्कार में आना चाहिए। सरल होकर सहज लिखें, एक बात। दूसरी बात, संघ मूल्यांकन बहुत कठोर बात है, बहुत साहस चाहिए, लेकिन करें, नंबर लेने के फेर में ना फंसे। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, कोई भी ऐसा मठ नहीं है जहां पर आपकी कॉपी जांची जाएगी और आपको साहित्यकार बना। आपने मैट्रिक पास करें 25 दिनों में सुना होगा, इंजीनियरिंग पढ़े 45 दिनों में अंग्रेजी सीखे सुना होगा, आपने कहीं नहीं सुना होगा 15 दिन में कवि बने वरना पैसे वापस, बिल्कुल आपने कभी नहीं सुना होगा 35 दिनों में उपन्यासकार बनो नहीं तो जिंदा जला देना चौक पर, आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना। तो ये एक स्वाभाविक प्रस्फुटन है जो आपके आपके अंदर से होता है, इसको सहजता से पन्ने पर उतारिए और लगातार लिखिए। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए, वहां पर खुद को प्रस्तुत कीजिए। एक मूल्यांकन वहां पर वास्तविक भी होता है, एक भ्रामक भी होता है। आपको चावल में से कंकड़ चुनना आना चाहिए, कंकड़ में से चावल निकालना आना चाहिए, दोनों आपके हाथ में है। भ्रामक से बचें, वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर खुद को फिर मूल्यांकित करें, है ना, पुनर्मूल्यांकित करें, और इस तरह करके आप लिखें तो लेखन कोई सहज चमत्कार नहीं है, ये माने, हर व्यक्ति के अंदर लेखन है ना, वो अभ्यास से निखर के आता है। क्योंकि आप जी एक विचारवान व्यक्ति हैं, तो वो विचार अगर एक समूह में व्यवस्थित ढंग से निकल के आता है तो वही कमाल करता है, ये और कुछ नहीं।
अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है इसके लिए, मुंह में 36 दांत का होना और खून का लाल के बाद भी उस पे पिंक का थोड़ा थोड़ा छापा होना जरूरी नहीं है। ये सब कोई कोई ये कोई दैवीय दैवीय गुण नहीं है, एकदम सहज होकर लिखी है, सब कोई लिख सकता है। जैसा कि आप सबने सुना, अनिल उत्पल जी ने यही संदेश दिया नए लिखने वालों को कि सहज होकर लिखिए और अपनी जो जड़ से है वो जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, और जितने भी कमेंट्स मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं कोशिश करूंगी उनका रिप्लाई करने की, और निलोत्पल सर की तरफ से भी आप सबको रिप्लाई भेजूंगी। एंड थैंक यू बहुत सर बहुत सो मच। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे इंस्टा से जुड़े हुए साथियों का भी धन्यवाद बहुत। थैंक यू सो मच। हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह मिलवाते रहेंगे देश दुनिया के नए नए बड़े कवियों से और शायरों से।